दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी टाइम हो गया 11:40 और आप लोगों के लिए मैं रात को भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। इसलिए दोस्तों एसएससी जीडी करेक्शन विंडो कब खोलने वाला है दोस्तों आप लोगों का डिटेल्स, क्योंकि बहुत सारा भाई ने एकदम गलती किया है। कौन सा गलती करने से आप लोगों क्या है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। दोस्तों वीडियो में जुड़े रहे शुरू से लास्ट तक, आप लोग देख लेना तब आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप गलती तो नहीं किया है सिग्नेचर मरने से? दोस्तों आप लोगों का नाम गलत तो नहीं है? माँ बाप को नाम तो आप तो सही भरा है क्या नहीं? एडमिट कार्ड में जो पीआरसी कौन सा दाता दिया है, सब कुछ ए टू जेड आपको बात करूंगा। दोस्तों उससे पहले मैं एक बात आपको क्या है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो तो जरूर देख लेते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं एक दिल से बोलने के लिए चाहता हूं, प्लीज आप सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए। मेरा मन को भी ना उत्साह दीजिए, मुझे मोटिवेशन जॉब को होगा, जैसे आप लोग मुझे हेल्प करेंगे, जैसे मुझे सपोर्ट करेगा तब मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, मुझे हिम्मत मिलेगा वीडियो बनाने के लिए भी। और दोस्तों जॉब देखिए, इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आप करेक्शन विंडोज आपको कब खोलने वाला है। दोस्तों आप लोग कौन सा गलती किया है, बहुत आदमी गलती किया, क्योंकि दोस्तों पिछले साल 15 लाख तक कैंडिडेट का रिजेक्ट हो गया फॉर्म। कौन सा गलती से रिजेक्ट हो गया, वो भी क्योंकि एसएससी उसमें आपको नोटिफिकेशन में ये एडवर्टाइज में सब कुछ दे रखा है। अब क्या क्या गलती करने से आपको क्या है रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन सा फॉर्म में मतलब क्या है, किस में आप लोगों को रिजेक्ट हो सकता है। देखिए फर्स्ट बोल रहा था आपका नाम, नाम में आपका मिस्टेक, जैसे आपका नाम है क्या है नयन शर्मा बा नयन जो भी है आपका रातुल है, मतलब जैसे आपका नाम लिख दिया ना स्पेलिंग में कुछ एक या दो अक्षर आपको कुछ हो सकता है, उसमें आपको कैंसिल नहीं करेगा। दोस्तों आपका क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हो गया आपका माँ बाप का नाम में कहीं आपको मिस्टेक हो गया, ए के जगह में आप एच बैठा दिया है, आर के जगह में आपको एस बिठा दिया, उसमें भी आपको कुछ रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों सिर्फ किस में रिजेक्ट हो सकता है, जैसे आपका फोटो डाल दिया है आप, उसमें आप क्या है सिग्नेचर नहीं मिला है, अपलोड करने के टाइम में भी आप लोग अच्छा से नहीं किया है, उसमें अपलोड नहीं हुआ अच्छे से, सिग्नेचर भी उसमें नहीं हुआ है, तब आपको क्या है रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि फोटो आपको पहले भी बोला फोटो में कैसा फोटो होना चाहिए, उसमें रिजेक्ट बहुत होता है। उसका बाद आ जाता है आपको डॉक्यूमेंट सही ठीक ठाक दिया नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स दिया नहीं, दूसरा डॉक्यूमेंट्स दे दिया, जहाँ आपको एडमिट कार्ड मांग रहा है तब कहीं दूसरा डॉक्यूमेंट्स दे दिया, तब आपको ये रिजेक्ट हो सकता है। उसका बाद आपको क्या है, जैसे आप लोगों को मांग रहा है उसका बाद आपको सर्टिफिकेट हो, उसका बाद आपको सिग्नेचर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देगा दोस्तों सिग्नेचर, सिग्नेचर नहीं है तो आपको पक्का रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर बहुत जरूरी है क्योंकि नाम में आपका मिस्टेक होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में भी सुधर कर सकते हैं, किंतु फोटो में सिग्नेचर उसका बाद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है तो आप लोगों को रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों इसलिए दोस्तों क्या है आप लोगों को, उसका बाद दोस्तों आप लोगों को एसएससी जीडी इस बार एसएससी क्या किया था, आप लोगों को टाइम दिया था प्रीव्यू, मतलब आपको जो फॉर्म है आप लोग देख सकते हैं, कई आपको करेक्शन कर सकता है उस टाइम में, यानी सबमिट करने के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को पहले आप लोगों जो एक बार थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को देख के प्रीव्यूज, मतलब प्रीव्यूज देख के आप लोगों को जो भी फिलअप किया एक बार देख लेना था, तो अभी उसका बाद ही आपको क्या है सबमिट करना था। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपको वो नहीं मिलेगा, और अभी करेक्शन विंडो आपको मतलब विंडो अभी मिलेगा क्या नहीं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एग्जाम है जनवरी में। दोस्तों इतना कैंडिडेट का अभी एग्जाम है, इतना जल्दीबाजी करके दिया, अभी हाथ में आप लोगों का टाइम बिल्कुल नहीं है, समय अभी 20-25 दिन है, और इसमें आप लोगों का बहुत मुश्किल है अभी करेक्शन विंडोज अभी देगा खुला, क्योंकि दोस्तों अभी जो भी है आप लोगों को जो दिया था प्रीवियस, इसलिए बार बार उसमें लिखा है जो भी नाम में आपको कुछ होगा उसमें क्या एक दो स्पेलिंग कुछ मतलब इसमें ये होगा तो आपको क्या है मतलब उसमें आप लोगों को रिजेक्ट नहीं होगा, सिर्फ सिग्नेचर ध्यान देगा, और डेट ऑफ बर्थ का जो भी आप एडमिट कार्ड या जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसमें जाने के बाद, और फोटो आपको सही होना चाहिए क्योंकि फोटो मेन होता है, फोटो मेन होता है नौकरी का, और सिग्नेचर मेन होता है क्योंकि दोस्तों इसमें डुप्लीकेट हो जाता है, इसलिए क्या है फोटो एकदम पक्का जरूर चाहिए, फोटो में कुछ उल्टा सीधा आपको मतलब ये अपलोड कर दिया तो अब आप लोगों का रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके बाद दोस्तों हो गया आपको क्या है बस इतना ही है दोस्तों, उसके बाद ये इतना ठीक ठाक भरा है तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं, आपका कॉलिंग लेटर आ जाएगा और आप दे सकता है रिटर्न। दोस्तों उसका बाद आ जाता है दोस्तों आप लोगों का रिटर्न में, आप लोगों का उस टाइम पेपर आपका चेक हो जाएगा और कुछ सुधार कर सकता है, आपका नाम में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसमें जाके सुधार कर सकता है, सर ये नहीं ये है मेरा। इसलिए दोस्तों क्या है आप
ये गलती तो अभी तो हो ही गया, जो भी हो गया जिसका हो गया, अभी कोई नहीं है, अभी किस्मत का ऊपर ही है दोस्तों। और दोस्तों इतना टेंशन नहीं लेना है, करेक्शन विंडोज अभी खुला देगा क्या नहीं वो पता नहीं दोस्तों, अभी मेरा हिसाब से तो अभी नहीं देगा शायद, क्योंकि अभी हाथ में तो बिल्कुल समय नहीं है। तो अभी दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और इस बार आप लोगों को नौकरी लेना है दोस्तों, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप लोगों को पक्का जरूर मिलेगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।